तो आइए, विदाउट मच अडू वी स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ द डर्टी पिक्चर द डर्टी पिक्चर एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सपने देखती है फिल्म स्टार बनने के उसके पास टैलेंट है लुक्स है लेकिन उसके बावजूद उसे अपने को स्टार को सेक्शुअल फेवर्स देने पड़ते हैं तो यह फिल्म ट्रेस करती है उस लड़की के जर्नी को राइट फ्रॉम द टाइम शी इज स्ट्रगलर टू बिकमिंग अटार एंड स्टार पहले स्ट्रगलर है फिर धीरे धीरे स्टार से सुपरस्टार बनती है और फिर कैसे उनका करियर डाउनहिल जाता है इन हर जर्नी शी हेज अफेयर थ्री मैन इंक्लूडिंग सुपरस्टार सूर्या यानी नसीरुद्दीन शाह उनके छोटे भाई रमाकांत यानी तुषार एंड वन मो गाय तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी पटकथा और संवाद की लेट्स डिस्कस द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म रेशमा यानी विद्या बालन अपने घर से भाग जाती है टू मेक इट बिग इन द ग्लैमर वर्ल्ड और यहां पर इंडस्ट्री में वो देखती है कि इट इज नॉट सो इजी उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है टिल वन डे आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स उन्हें ब्रेक मिलता है एक डांस में एक आइटम सॉन्ग डांस में वो बहुत सेक्सली डांस करती है और ओवरनाइट उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इस फिल्म के डायरेक्टर है इब्राहिम यानी इमरान हाशमी एंड वो नहीं चाहते हैं कि ये सेक्सी सॉन्ग उनके फिल्म का हिस्सा हो क्योंकि वो कुछ अलग टाइप के फिल्म मेकर है लेकिन प्रोड्यूसर सेल्वा गणेश यानी एक्टर राजेश शर्मा उस गाने को ऐड करते हैं जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है और उस गाने की वजह से वो फ्लॉप फिल्म सक्सेसफुल फिल्म बन जाती है और अब सेलवा गणेश डिसाइड करते हैं कि वो रेशमा को लॉन्च करेंगे बतौर हीरोइन क्योंकि वो उनमें बहुत पोटेंशियल देखते हैं वो उनका नाम बदल देते हैं रेशमा से वो बन जाती है सिल्क और सेल्वा गणेश उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं इन अ फिल्म विद सुपरस्टार सूर्या यानी नसीरुद्दीन शाह लेकिन सिल्क के लिए इतना आसान नहीं है नसीरुद्दीन शाह या सूर्या के साथ काम करना वो सुपरस्टार है इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं और सबसे पहले दिन की शूटिंग में ही वो अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं और इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिल्क को फिल्म से बाहर फेंक दिया जाएगा इसलिए सिल्क उनके पास जाती है और अपनी शरीर को बेचने के लिए तैयार हो जाती है उनके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स अ ब्रेक विद हिम नेचुरली सुपरस्टार सूर्या मौके का फायदा उठाते हैं और सिल्क की फिल्म लॉन्च हो जाती है सुपरस्टार सूर्या के साथ वो फिल्म हिट हो जाती है और धीरे धीरे सिल्क को कामयाबी मिलती है वो स्टार बन जाती है स्टार से सुपरस्टार बन जाती है बट उन्हें सूर्या को सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ते हैं हमेशा देने पड़ते हैं

यानी सूर्या के छोटे भाई दैट इज तुषार तुषार एक स्ट्रगलिंग राइटर है फिल्म राइटर है एंड वो अपने ब्रेक के लिए रुके हुए हैं ही इज वेटिंग फॉर दैट बिग ब्रेक मच टू सिल्क अब अफेयर करती है रमाकांत के साथ यानी सूर्या को जलाने के लिए सिल्क प्यार करती है रमाकांत से तुषार से वैसे तो रमाकांत एक अच्छे इंसान है नेक इंसान है बट ही हैव द करेज टू स्टैंड बाय सिल्क बिकॉज ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम इज एल्डर ब्रदर और सूर्या को वो नाकार नहीं सकते हैं बिकॉज आखिर सूर्या ही उन्हें ब्रेक देने वाला है इन डिस्गस्ट सिल्क वॉक्स आउट ऑन रमाकांत नेचुरली वो बहुत नाराज हो जाती है रमाकांत से धीरे धीरे सिल्क फॉर्म एज एन एक्ट्रेस एंड इवन आउट ऑफ द सेट्स वन डे हर सिल्कस पॉइंट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है एंड शी इज अनएबल टू हैंडल इट बिकॉज उन्होंने इतनी कामयाबी देखी है इतना सुपर देखा है कि जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है वो थोड़ी सी पगला जाती है शी डिसाइड्स टू हर सेल्फ प्रोड्यूस स्टारिंग हसेल्फ वो तय करती है कि वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करेगी अफकोर्स स्टारिंग हरसेल्फ उनकी फिल्म ओपन होती है उसी दिन जिस दिन डायरेक्टर एब्राहम की नई फिल्म रिलीज होती है एज लक वुड की फिल्म बॉम्ब हो जाती है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है और डायरेक्टर एब्राहम की फिल्म क्लिक हो जाती है सक्सेसफुल हो जाती है की माउंट होती है उनके फाइनेंसियर उन्हें फोन करते हैं उनके पैसों के लिए आता है इज इट सूर्या इज इट रमाकांत और इज इट इब्राहम इन सारे सवालों के जवाब फिल्म के अंत में दिए जाते हैं रजत जो कहानी है अबाउट अ गर्ल अ बर्निंग डिजायर टू बिकम अ फिल्म स्टार एट एनी कॉस्ट वो सेक्स और स्लीस पर रिलाई करती है टू टेक द ऑडियंस थ्रू हर जर्नी लोगों को ऐसे लगा होगा कि सेक्स और स्लीस इतना है फिल्म में तो नेचुरली फ्रंट वेंचर्स को ही अपील करेगी लेकिन रजत अरोरा का जो स्क्रीन प्ले है और डायरेक्टर मिलन लुथरिया का जो हैंडलिंग है इस सब्जेक्ट का वो दोनों इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि ड्रामा ये ड्रामा अपील करेगा मासेस और क्लासेस को भी उतना ही जितना कि फ्रंट बेंचर्स को अपील करेगा मेंशन मस्ट बी मेड हियर ऑफ द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म क्योंकि डायलॉग्स इस फिल्म के एक हीरो की तरह ही है लिटरली दे आर द द हीरो ऑफ फिल्म रजत अरोरा के बोल्ड और सेक्स लेड इन डायलॉग्स डोंट ओनली गो ब्रिलियंटली वेल विद द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म बट ऑल्सो कन्विंस द व्यूअर दैट दे आर ट्रूली अ वेरी इंस्पायर्ड पीस ऑफ राइटिंग इतनी इंस्पायर्ड राइटिंग है ये कि आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर रजत अरोरा ने ऐसे डायलॉग्स कैसे लिखे हैं वो बोल्ड है बहुत सारा सेक्स है कभी कभी वलगर भी नजर आते हैं मगर आपको फिल्म देखते वक्त लगता है कि ऐसे ही डायलॉग्स की जरूरत थी बिकॉज ये सब्जेक्ट सेक्स और का है और इसलिए उन्होंने बेधड़क तरीके से जो डायलॉग्स लिखे हैं आप उन डायलॉग्स की तारीफ करते नहीं थक सकते हैं no doubt, एक सेक्शन होगा, छोटा ऐसे डायलॉग्स बहुत गंदे लगेंगे एंड देर एंड ऑप्सिन डायलॉग्स बट वो सेक्शन छोटा सेक्शन होगा एंड बाकी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस यानी यंगस्टर्स अदर्स नॉट सो ऑर्थोडॉक्स ऑडियंस उन्हें ये डायलॉग्स बहुत बहुत अच्छे लगेंगे एंड इन फैक्ट बहुत बार फिल्म में आप सुनेंगे कि डायलॉग्स पर तालियां पड़ रही हैं, सीटियां बज रही हैं एंड लोग उन डायलॉग्स को बहुत ज्यादा अपलॉड कर रहे हैं

सिंपल रीजन ये है कि ऑडियंस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है इंटरवल पॉइंट पर ही उन्हें पता है उन्हें फिल्म एक्सेलेंट लगी है और उसके बाद जो लो पॉइंट्स है सेकेंड हाफ में उसकी वजह से उनका डिसीजन चेंज नहीं हो सकता है कहने का मतलब है कि फर्स्ट हाफ में ही ऑडियंस को अपने पैसे का वर्थ मिल चुका है एक और बात ये फिल्म आपको शॉक करती है बिकॉज इतने बोल्ड डायलॉग्स और इतने बोल्ड सीन्स आपने शायद ही किसी फिल्म में देखे हैं सो देर इज अ लॉट ऑफ शॉक वैल्यू एंड आप अगर ये सोच के जाते हैं फिल्म देखने के लिए दैट दिस इज जस्ट अनदर नॉर्मल फिल्म यू आर इन फॉर अ सरप्राइज एंड लॉट ऑफ शॉक्स सो बी प्रिपेयर उस माइंड सेट से जाइए इस फिल्म को देखने अदरवाइज यू विल बी रियली रियली इन फॉर बिग बिग शॉक तो यह तो हुई बात इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म के एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर सबसे पहले यह कह देना चाहिए कि फिल्म में सभी आर्टिस्ट ने इतना लाजवाब काम किया है कि इनके तारीफों के पुल बांधे जा सकते हैं विद्या बालन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। and that for two reasons. एक तो उन्होंने ये इतना बोल्ड रोल एक्सेप्ट किया द रोल ऑफ अ गर्ल सेक्स ऑन हर स्लीव और दूसरा रीजन ये कि उन्होंने डिलीवर किया है एक फ्लॉलेस एंड एप्सल्यूटली अनहिबिटेड परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन काम इतनी अच्छी एक्टिंग इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं इनफैक्ट आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इनकी जगह पर कोई और एक्ट्रेस ऐसा काम कर पाती या नहीं एक्चुअली शी इज सो फंटेस्टिक कन्विंस्ड कि इनकी जगह पर और कोई भी होता कोई भी एक्ट्रेस होती तो इससे कम ही काम कर पाती शी इज सो ब्रिलियंट शी सीम्स टू हैव सबमिटेड हर सेल्फ कंप्लीटली टू हर डायरेक्टर एंड टू द डिमांड ऑफ दिप्ट एंड एक्टेड सो नेचुरली सो नेचुर उनकी तारीफ करते नहीं थकते करते नहीं थकेंगे आप शी हैज डन सो वंडरफुल इन द फिल्म के शी वुड इजिली बैग एवरी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिस ईयर फॉर हर रिमार्केबल शो ऑफ टैलेंट नसीरुद्दीन शाह ही इज फर्स्ट रेट एज द लेचर सुपरस्टार

पहले एज अ फ्रस्ट्रेटेड फिल्म मेकर और उसके बाद एज अ गाय इन लव इमरान हशमी के डायलॉग्स आर एप्सोल्यूटली फंटेस्टिक सुपर एंड दिस वुड रेट एज वन ऑफ इमरान हशमीज बेस्ट परफॉर्मेंसेस अंजू महेंद्रू एज जर्नलिस्ट नायला शाइंस बहुत ही अच्छा काम किया है राजेश शर्मा इज वंडरफुल इन द रोल ऑफ सेल्वा गणेश मंगल केंकरे जो रेशमा की फॉस्टर मदर का रोल प्ले कर रही है और नेहा बाम जो रेशमा की बायोलॉजिकल मदर है दोनों ने अच्छा सपोर्ट दिया है आर्या मेक्स प्रेजेंस फेल्ट राइजिंग स्टार शकीला लेकिन उनका काम छोटा सा है शिवानी टंसकले लीव्स अ मार्क एज सूर्या नवीन गोठी जो सिल्क के लव लॉन फैन है विकास श्रीवास्तव एज कास्टिंग डायरेक्टर सुधीर सारंग साठिय जो कि कोरियोग्राफर जॉर्ज की, की भूमिका निभा रहे हैं ब्रज किशोर तिवारी एज द पोर्नोग्राफिक फिल्म मेकर इमरान हसनी एज डायरेक्टर विजयन मुकेश आहूजा एज द मैन हु स्पेन लीक्स इन पॉकेट और अशोक अवस्थी एज द गाय हु मेक्स रेशमा एन इंडीसेंट प्रपोजल इन द सिनेमा हॉल इन सब ने फैबिलस सपोर्ट दिया है और दूसरे जो कलाकार हैं उनका भी सपोर्ट अच्छा है आइए अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की मिलन लूथरिया का डायरेक्शन एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो इज सुपर्ब उन्होंने ये फिल्म इतनी रिमार्केबल मेच्योरिटी और इतनी समझदारी से हैंडल की है एंड माइंड यू यह फिल्म सेक्स और स्लीज के बारे में है लेकिन वो फिल्म उन्होंने ऐसे नरेशन दिया है ऐसे हैंडल किया है सब्जेक्ट को दैट दिस फिल्म अपील्स टू ऑल ऑफ सोसाइटी ना सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के लिए बनाई है लेकिन मास्टर्स एंड क्लासेस के लिए भी यह फिल्म बनाई है उनकी बिगेस्ट विक्ट्री सबसे बड़ी विक्ट्री इस चीज में है कि उन्होंने इस फिल्म को डीजेनरेट नहीं होने दिया है इन टू मेंट ओनली फॉर द फ्रंट वेंचर्स विशाल शेखर का म्यूजिक संगीत हिट है द ऊ लाला सॉन्ग इज ऑलरेडी अ रेज और ऐसा लगता है कि वो यंगस्टर्स के लिए एक नया नेशनल एंथम बन गया है द इश्क सूफियाना सॉन्ग इज ऑल्सो ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन इन दोनों गाने के उलाला और इश्क सुफियाना दोनों गानों के पिक्चराइजेशन पोनी वर्मा ने बहुत ही बेहतरीन किए हैं फिल्म में अलग अलग जगहों पर बैकग्राउंड में एक और गाना बजता है that's a साउथ सॉन्ग और इसका म्यूजिक कंपोज किया है विजय एंथनी ने दैट म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी अपीलिंग बॉबी सिंह का कैमरा वर्क है एंड इट्स एप्सल्यूटली लवली एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं जावेद एजाज ने और दे आर अप्रोप्रिएट सेट्स इरेक्टेड बाय प्रिया सुहास आर गुड बाकी वाली की एडिटिंग है इट्स रियली क्रिस्प तो ऑन द होल द डर्टी पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म करेगी सबसे पहले लेट इट बी सेड दैट द डर्टी पिक्चर इज अ लवली पिक्चर ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस करेगी इट विल वर्क वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस और मल्टीप्लेक्सेस एज वेल ए सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में ये धूम मचाएगी और एक और बात जिस जॉनर की फिल्म है जिस बजट की जिस कैनवस uh, की फिल्म है उसके लिए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री लिखेगी यस दिस फिल्म इज ऑल सेट टू राइट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री इट हैज टेकन अ फ्लाइंग स्टार एंड एप्सोल्यूटली ब्रिलियंट स्टार इस फिल्म के डायलॉग्स म्यूजिक परफॉर्मेंसेस और मेच्योर हैंडलिंग आर इट्स बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स। अ श्योर शॉर्ट हिट नो क्वेश्चंस आस्क